गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। चाल तो इन्होंने पीछे ही खत्म कर दिया। और आज ही हमारा फिफ्थ डे है, पूरी लेकर आई है। और हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, देखो जूस है, चाय है, बहुत सारी चीज़ है, कितना भी खाओ। देखो पूरी, सब्जी, चाय, जूस, अड्डे भी हैंगे, फ्रूट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये खाएंगे फिर दिल निकल जाएंगे। आज का दिन हमारा ख़राब हो गया पूरा। तो भैया दिल्ली चलती है, हम चेकआउट हो गया हमारा। ये हमारे भैया फिर सुबह सुबह आ गए हमें लेने के लिए, घुमाने के लिए। हाँ, ये कितने फोटो खींच रहे हैं, बना देंगे। जय माता दी, जय जय। लो भाई चल दिए गुवाहाटी से फ्लाइट होती, फिर आप घुमा देते। एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, 3:15 की फ्लाइट है, लेकिन हम 12:33 पे पहुंच गए। ये देखो टाइम, 2 घंटे बाद है। देखो 12:33 और अभी 3 घंटे बैठे हैं, 3 घंटे बैठना पड़ेगा। और अभी हमारे भैया सामान निकाल रहे हैं ऊपर से। लो भाई अंदर आ गए हैं और अभी सामान हमारे पास ही है। ये देखो कि भाई, देखो हम इस वाली सुरंग में गए थे, इनमें तो कोई सी एक थी वहाँ। यो भी हो जो 7 सिस्टर कहाँ थे। हाँ ये वो है 7 सिस्टर। गाइस बोर्डिंग पास ले लिए हैं। ये देखो पहले हम शिलोंग से कोलकाता जाएंगे, फिर उसके बाद कोलकाता से दिल्ली जाएंगे। यहाँ से हमारा हो गया है, अब फ्लाइट में बैठेंगे, जब दिखाते हैं आप। देखो भाई जिम लवर पर तोड़ देगी। तो भाई हमारी चेकिंग हो गई है, सब कुछ हो गया है, जमीन टूट ना जाए नीचे का ब्रश। हर जगह नारियल ही नारियल। ऐसा कोई पहला ही आदमी होगा जो एयरपोर्ट पर बैठ के नारियल खा रहा है। सिफारिश देखो हमारी तुम। तो गाइस हमारी सब कुछ हो गया, चेकिंग वैकिंग, अब हम सीधा अपनी फ्लाइट की साइड जा रहे हैं। और आप उड़ते उड़ भी देखोगे, लैंड करते उड़ देखोगे कोलकाता में, फिर कोलकाता से फिर उड़ेंगे, फिर दिल्ली में लैंड करेंगे, ठीक है। एयरपोर्ट इतना बढ़िया है, छोटा सा एयरपोर्ट है, देखो देख लिया। और बादल एक नंबर के लग रहे हैं। और यहाँ ये है, मतलब ये लास्ट फ्लाइट है आज की, मतलब कि रोज़ इसी टाइम होता है, 3:15 के बाद कोई फ्लाइट नहीं है, ना आने की ना जाने की। और जो ये फ्लाइट आई है ये खाली आई है वहाँ से, जहाँ से भी आई होगी। और हम जो हैं अब इसके अंदर जाएंगे बैठ के, ये लास्ट है टाइम इसका, इसके बाद कुछ फ्लाइट नहीं। अब कल सुबह है और आपको बैकग्राउंड में हवा की फुहारी होगी आवाज़, तो आप समझ जाना जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। जना पहाड़ देखो, आते वक्त हमारा था स्पाइसजेट और जाते वक्त है इंडिगो। तो इंडिगो भी छोटे प्लेन आते हैं, आज हमें पता लगा है। जो कि इंडिगो है उसके हमने आज तक बड़े प्लेन देखे थे, छोटे नहीं देखे, तो आज हमने छोटा भी देख लिया, आज आप बैठ के भी दिखा देंगे। लो गाइस एंट्री कर ली है प्लेन में, ही हमारा प्लेन है ये, हमें
और अभी यहाँ एंट्री हो रही है, सीट देखी जा रही है। इसका नाम श्रुति है। इसकी वो मिलेगी फ्रेंड। आ जाइए ना, सीट का ना पता। चलो अभी देखते कौन सी सीट है, पूछ रहे सीट कौन सी है। श्रुति ये हमारी एयर होस्टेस है, हेलो बोल दो मैम। ब्लॉगिंग चल रहा है। यस मैम, ब्लॉगिंग चल रहा है। अच्छा, कौन सा नंबर वाला? आगे आगे गाइस, सीट मिल गई है, विंडो सीट है। साफ ना करिए इसी से। ये अंकल है, इनको तो जानते ही होंगे। जाना है अंकल अपने? ये पापा रहे, वे आंटी हर रही। आपात स्थिति में फर्श पर लगे एस्केप पाथ मार्किंग सिस्टम की सहायता से आप निकटतम द्वार तक पहुंच सकते हैं। एक सुरक्षा एक कोक मिली है, एक पनीर टिक्का सैंडविच मिला है, सेम मम्मी का है, दोनों में खा रही हैं। मैं खाऊंगा नहीं क्योंकि वो मीटिंग हो सकती है। अब हम उतर लिए हैं इसके अंदर से, एरोप्लेन में से, और जो हमारा लगेज आता है वो यहाँ रखा रहता अंदर की साइड। और इसकी पंखड़ी देख सकते हैं आप, कितनी डेंजर सी लग रही है। और देखो अभी अभी एक प्लेन उड़ा है, ए कहाँ गया, ए ये रहा, अभी अभी उड़ा ये मेरे सामने। और अब हम जाएंगे दिल्ली। और देखो भाई ये हमारे पायलट हैं, ये जो वाइट ड्रेस में है, और ये हमारी एयर होस्टेस है, देख लो भाई। देखो एक और चीज़ और दिखाता हूँ मैं, नया प्लेन दिखा है तो मेरे को, ए ये रहा ब्राउन, ये उसका है या तो प्राइवेट होगा किसी का, गवर्नमेंट ऑफिसर का, और पता नहीं हमें। और ये पापा हमारे बस के बाहर चले गए हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और ये कुछ ऐसा है एयरपोर्ट, और इस बस में से आए हम। अब यहाँ देखना पड़ेगा कि हमारी कौन सी है दिल्ली की, मतलब कि दिल्ली की फ्लाइट कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, एक या दो। और ये तो बड़ा प्यारा लग रहा है, देख लो भाई एयरपोर्ट, और हमें देख लो, बाय बाय एयरपोर्ट। ऊपर देख लो भाई, लाइट ही लाइट, पर नींद बहुत बढ़िया है आज तो। यहाँ तक छोड़ता है गाड़ी वाला आपने, यहाँ बताओ ये रिजर्व्ड है तो के लिए हमें यहाँ पे जाना है। इतने आप जो पिक्चर बना रखे इनको एंजॉय करो। एसी, फिर यो एसी है ना, ये रही ये एसी है, और मम्मी कह रही बहुत ठंडा आ रही है हवा। अब ये नहीं पता एसी की हवा लग रही है। देखो पापा देखो वहाँ जाके बैठ गए हैं, और कह रहे मैं तो इसमें ही आऊँगा, चाहे कुछ हो जाओ मैं तो इसमें ही आऊँगा। ये देखो आपको भाई कुछ लेना है, किसी के लिए भी लेना है, कुछ भी खाना पीना है, सब कुछ है। चश्मे ले लो बढ़िया बढ़िया, लेकिन यहाँ पे ये आपको महंगे मिलेंगे, बाहर जाओगे ये चीज़ सस्ती मिल जाएगी। इससे पूछा जाए कितना सस्ता मिलता है। देखो आ जाओ बैठेंगे, आ जाओ जाओ बैठ जाओ, जाओ बुढ़े बुढ़े बैठ जाओ इसमें, जाओ अंकल जाओ पीछे जाओ जाओ ना। हाँ वीडियो बन रही है, रुक जाओ। इसमें भी ओरन है का। भाई मजे तो ये ले रहे हैं जिंदगी के, हम देखो पैदल चल रही है मैं भी। तो हम में दोनों आ गए ना,
अब दोबारा बोल ठीक है ठीक है। देखो बस उन्होंने मान लो 10 कदम के लिए गए होंगे यार, इतने राजी हो रहे थे, बहुत राजी कि हम तो पता नहीं किसके अंदर बैठे गए। अब ये नहीं पता मार से हम उनसे पहले पहुंच जाएंगे। एयरप्लेन में बैठने से ज़्यादा खुश तो ये इसमें बैठने से। हाँ हाँ कि भाई ये क्या है क्या चीज़ ये उसमें बताओ तो, जो वो खाटू श्याम का मंदिर है, जो खाटू श्याम का मंदिर है उसमें भी यही है। अलीपुर में आप जरूर आइएगा और उसका ब्लॉग भी आएगा, वो अपने देख लो चैनल पर जाके, बहुत बढ़िया ब्लॉग बना रखा उसका। लेकिन वो पहले का है और अब मतलब कि ज़्यादा चेंजेस आ गए उसके अंदर, देख लेना भाई। नहीं तो आप कहोगे तो बता देना एक बार और आपको दिखा देंगे नया जो चेंज हुआ उसके अंदर पूरे खाटू श्याम के अंदर। ये हमारी आंटी कह रही है हमारी फोटो नहीं आ रही है, आंटी पूरी वीडियो में आ रही है। बोलो कुछ फिर कुछ बोलो कुछ सही। हाय ये है भाई सिक्योरिटी से भाई चेकिंग होगी हमारी, सारी चीज़ें निकाल ली दोबारा जैसे वहाँ चेकिंग हुई थी वैसी हुई है। एयरपोर्ट तो अच्छा है, एयरपोर्ट तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल साफ दिल्ली पर बहुत बड़ा है बड़ा नाम ही, पर दिल्ली में पर वो हम छोटे वाले बैठे रहे ना। हाँ। दिल्ली में घनी सारी चीज़ें हैं। अब देखो कौन से उसको जाना भाई, फिर बताते हैं आपको कितनी देर में फ्लाइट है। फ्लाइट आएगी वो आएगी 105 नंबर में, अब यहाँ बैठे हैं जाना ये, पूरा। ये बस खड़ी हमारी, थोड़ी देर में हम भी जाएंगे। लो भाई बैठेंगे हम बस में, लो अब भाई प्लेन में जाएंगे। अब हम जा रहे हैं दिल्ली जो भी हो गए हैं चेक इन वैक इन जो भी होना था हो गया, अब हम जाएंगे प्लेन के पास। अब भाई बस में बैठ लिए हैं और अब जा रहे हैं अपने प्लेन की साइड। देखो ये वाइट कलर की बस कितनी बढ़िया लग रही है, देख लो मेरा आपका एक कहला सकता है, ये प्लेन है। अरे भाई बहुत तेज आवाज आ रही है इसकी तो इंजन की, और देखो एक और इंडिगो उड़ने वाला है अभी। ए अब उड़ जाएंगे दोनों तीनों, थोड़ी देर में हम भी उड़ जाएंगे। भाई ऊपर और बहुत मजे आ रहे हैं। ये रहा प्लेन, बहुत बड़ा प्लेन है। देखो भाई एसी कितना बढ़िया, बिल्कुल फील्ड कर रहा है। मैं कह रही थी पूरे एयरप्लेन में, मैं तो कह रही थी दिन आए मगर दिल्ली तक मगर उन जातो में ऐसे धुआं सा उठता रहे। इतना ही प्लेन आगे हैगा और इतने प्लेन पीछे हैगा, बीच में हम बैठा रहे। ये हमारी आंटी बैठी है, सीट गिन का आए हैं और 240 आदमी है, 6 एयर होस्टेस है, 2 पायलट है, 240 आदमियों का सामान अलग है। देख लो कितना भारी, मतलब कि कितना वेट उठा के चल देता है, उठता है चलता भी नहीं है, उठता है। लेकिन आप बाहर देखो अभी हम बाहर ही हैं, मतलब कि खड़े ही हैं कोलकाता में, और इतना ही एयरप्लेन आगे है ठीक है ना बन गई, और इतना ही पीछे हैगा, पीछे कम है वैसे। 7 बज गए हैं और हमारा प्लेन चालू हो गया। इतने आप एयरपोर्ट के मज़े लो और इसकी जब उड़ेगा जब देखना कैसे उड़ता है, अब चला बहुत तेज है भाई। देखो यो ताकि बाहर का दिख जाए, कती चांदड़ था ना डिम डिम से कर दिया, एक नंबर का लग रहा है। कति सीधा है,
मेरी टेढ़ा हो गया, टेढ़ा है ऐसा है यो चकाचक वैसा हो यो टेढ़ा हो गया सीधा हो। हाँ तो भाई अब बज गए हैं 7:50 और हम फ्लाइट में बैठे हैं। मम्मी को नींद आ रही है और पापा पता नहीं किसको देख रहे हैं। नींद तो ना आ रही है, वो तो पापा को ही पता होगा। मुझे नींद नहीं आती एरोप्लेन में, गाड़ी में, और मैं तो दूसरे वाले प्लेन में सोता उड़ाया था इसे। मम्मी यार सोन नहीं दे रही मैंने। हाँ क्योंकि घर जाके सोना ही तो है। पापा नींद नींद आती है, खाता तो है नहीं कुछ, ये भूखा रहता है 4-5 दिन से। अब यार भूखा रहता है ये दिन जो है ओके जी बात खत्म। देखो गाइस पापा को नूडल्स मिल गए वो भी बिल्कुल फ्री, और फ्लाइट में ये देखो फ्लाइट के अंदर तो कोई देता ही नहीं नूडल्स। और देखो एक सॉस यार रेड रेड सा कुछ है भी पता नहीं क्या है, जूस है। और आपको भी खा ये वो है पाइनएप्पल का लग रहा है। नूडल्स फ्री इन फ्लाइट क्योंकि हमारी पड़ोसी है, क्योंकि हम दिल्ली के हैं वो दिल्ली की है, तो दिल्ली वालों भी तो मेरे लेंगे लेंगे गाइस। अब आपको घर जाके मिलते हैं, छह रास्ते मिले कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। तो गाइस हम पहुंच गए हैं ये दिल्ली के एयरपोर्ट पे, और आपको पीछे आवाज आ रही होगी इंजन की, और हमारे आगे खड़ी है बस। उससे बात कर लेते हैं खड़े हैं। ले ओ भाई आ गए हैं अपनी दिल्ली में, गरम दिल्ली में। अब यहाँ टैक्सी बुक कर दिया, अब घर निकलेंगे सीधा। ओके भाई उसने बताई थी कौन सा प्लेटफॉर्म पर होगा, सुनी ना हमने। हमारी बस में कौन कौन था। तो भाई आ गए हैं दिल्ली, और देखो इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। अब क्या बताएं, देख लो